का जमाना क्या, आज तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट है कि इसको रोकना मुश्किल है। आई एम इन स्टारबक्स ईटिंग विद फ्रेंड्स, है ना, आज तो क्या करता है, आज तो ये झट से उठाया टिक, मतलब आज तो शेयर करना, मतलब ऐसे ही कुछ भी किया ना, खाया खा जो है वो, और तो और अभी तो जो है वो मतलब बहुत सारे ट्रेंड आकर आना बाकी है। जब पहली अच्छा ध्यान है कि पहली पहली बार जो है ना वो सेल्फी का ट्रेंड, आज के 4-5 साल पहले सेल्फी लोगों ने लेना शुरू किया तो लोग हंसते थे लोग। सच आपको पता नहीं, आप छोटे रहे होंगे, आप और छोटे रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा इस चीज के। मैं चूंकि बड़ा हूं, देखता रहता हूं चीजों को, तो मैं जब आज के 5-6 साल पहले सेल्फी का ट्रेंड शुरू हुआ तो लोग बोलते थे देखो इंसान इतना अकेला हो गया कि कोई फोटो खींचने वाला भी नहीं साथ उसके, जा रहे तो सेल्फी खींच रहे, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, बाउट बना, मतलब बदक के जैसा मुंह बना के सेल्फी खींच रहे। अरे सेल्फी तक तो हमको बात समझ में आई, पर ये बाउट की बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई, आज भी समझ में नहीं आई। आप में से किसी को यदि फंडा क्लियर हो तो बता देना मेरे को कि किसका मतलब क्या है, मतलब इसका पर्पज क्या है, इसका इसका उद्देश्य क्या है, क्यों खोजा गया है, और ये जो इनोवेशन है ये करता कौन है। मैं तो सोचता यार कि ये इंसान कौन रहता होगा जो इतना इनोवेटिव टाइप का है कि उन्होंने ये भी खोज लिया कि बदक के समूह बनाओ। अच्छा वो कि डॉग के समान जीप बाहर निकाल के सेल्फी नहीं खींच रहे लोग, ठीक है ना, है ना, तो चलो ठीक है, यहां तक तो भी है कि चलो बाउटी बना के फोटो खींच रहे, लेकिन लोगों ने ट्रेंड निकाला, बड़ा बड़ा मजा आया, है ना। आज सेल्फी तो मेन चीज बन गई है, कहीं जाओ तो पीछे ताजमहल है सेल्फी, पीछे कोई सेल्फी, ठीक है, और आदमी सेल्फी खींचते खींचते इतना सेल्फिश हो गया है, इतना सेल्फिश हो गया है, जहां किसी की जरूरत मदद करने की जरूरत होती है वहां पे उसका वीडियो बना रहा होता है। मैंने देखा कई जगह पे कोई डूब रहा है, किसी को दुर्घटना हो गई है तो वहां पे आके सिर्फ कैमरा निकाल के वीडियो बना रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया, कोई मदद के लिए नहीं आया, देखो जरा क्या हुआ, वीडियो बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अरे उसको हाथ देते वीडियो ना बनाते भाई, उसकी हेल्प करते, उसको अस्पताल लेके जाते, कुछ करते तो समझ में आता, लेकिन क्या किया, झट से कैमरा निकाल लिया वीडियो। द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, क्यों भैया, हम वीडियो बना रहे थे, हमने बताया हम मदद नहीं करेंगे, हम सेल्फी खींच खींच के सेल्फी हो चुके हैं, हमारा नाम ही सेल्फू राम रखा गया, आप ना हम सेल्फू राम है, तो अभी तो हम सिर्फ सिर्फ सेल्फी खींचेंगे, सिर्फ सेल्फी के। व्हाट इज योर प्रोफेशन, आई एम इन आर्मी, ओके, कौन से बटालियन, कौन से विंग में हो, मतलब कहां पोस्टिंग, कहां आपकी, नहीं नहीं वो वाला नहीं, पबजी, पबजी को लोग जॉब समझने लगे, गेमिंग का ट्रेंड आ गया कि भैया एक आदमी गेम खेल रहा है और बाकी पागलों से देख रहे हैं कि देखो वो उधर कूद गया, उधर कूद गया, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब जो जो पॉसिबल, अभी एक पढ़ रहा है सब बैठ के पढ़ रहे हैं यूट्यूब में देख देख, मतलब मैंने कहा यार ये मतलब एक कुछ लेवल, कुछ कहीं तो रुकना पड़ेगा ना इसको, कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो खैर छोड़ो, तो पर्पस क्या है इसका, क्यों बताना शुरू कर दिया मैंने, मतलब भड़ास क्यों निकाल दी इतनी, मैंने इसलिए निकाल दी कि ये मेंडल के समय होता था, तो मेंडल सेल्फी खींचते, दिस इज मेंडल बोलते, ये मैं हूं, ये मटर के पौधे हैं और ये इसका रेशियो है और यहां पर पढ़ाई हो रही है, तो बड़ा मजा आता लोगों को। वो लड़की ने बोल दिया ये मैं हूं, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरी कार है और ये पारी हो रही है, तो बस वो पागल पब्लिक पूरी, ऐसे बीच में एक ट्रेंड चला विनोद, जिधर जिधर देखो उधर विनोद विनोद, मैं सोचू शुरू शुरू में मेरे को पता ही नहीं था इस बारे में, तो वीडियो रिलीज हो विनोद, मैं बोला अपने टीम को बोला कि कौन है स्पैमिंग कर रहा है वीडियोस में सब में, हो गया अभी स्पैमर विनोद विनोद, मैंने कहा कौन है विनोद, ठीक है वो स्पैम तो बहुत देख चुके हैं हम कि फला सर इज बेस्ट, फला सर इज बेस्ट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो आते रहते स्पैम, वो तो बहुत देख चुके हैं हम लोग, कई लोगों को बैन भी किया उसमें से जो किधर भी वीडियो में पहुंच जाते, फला बेस्ट फला बेस्ट फला बेस्ट फला बेस्ट के, अरे भाई बेस्ट है तो तू यहाँ आके टाइम को बर्बाद कर रहा है अपना, वहीं जाना बेस्ट है के, वहां मंजिरा लेके बैठ जा, मंजिरा लेके बजाते रहे मंजिरा बैठ के कि भैया बेस्ट बेस्ट बेस्ट, कहां दूसरे के आके बेस्ट बेस्ट कर रहा है, तो मैंने कहा कौन विनोद भैया पता लगाओ, टीम बोली सर पता नहीं कोई ट्रेंड चल रहा है, जहां देखो विनोद विनोद, फिर मेरे बेटे ने बताया कि पापा विनोद जो है ना वो स्ले पॉइंट है कि उसमें उन्होंने विनोद बोला होगा तो वो विनोद से विनोद निकल गया, और देश भर मोदी जी एक दिन भाषण दे रहे थे तो उसमें चलने लगा विनोद विनोद विनोद, मैं सोचा यार मोदी जी भी सोचते होंगे कि ये विनोद कौन ही है, कहीं मेरा कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने कोई नया लीडर रख लिया कि कांग्रेस के पास में कोई नया लीडर आ गया हो जिसका नाम हो
विनोद गांधी, पर अभी तक जानकारी भी ना हो अपने वो, तो मोदी जी भी चिंता में, पता लगाओ भैया विनोद कौन। तो इसलिए कुछ भी है ना अपने देश में, तो काश काश ये सुविधा जो है मेंडल के समय होती ना, तो मेंडल जो है बहुत सारी बातें कह चुके थे। तो